राजस्थान में एसीबी ने हड़कंप मचा रखा है, खासकर एक आईपीएस ने जो खुद ने 6 लाखों के क्वार्टर में समय गुजारा। राजस्थान पुलिस के दबंग आईपीएस दिनेश एमएन भ्रष्ट लोगों को ठिकाने लगाने में माहिर है। हाल ही में प्रदेश में सिविल सर्विसेज में करप्शन पर सेंध मार चुकी एसीबी टीम ने बाड़मेर के ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने 20 लाख की रिश्वत में अधिकारी बनने के ख्वाब संजोए थे। भारत सरकार ने आरक्षण को लेकर कुछ नई नीतियां बनाई है। सरकार ने मेडिकल कोर्सेज स्टूडेंट के लिए अहम फैसला लिया है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी स्टूडेंट को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का निर्धारण किया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नई आरक्षण नीति इसी साल से लागू हो जाएगी। राजस्थान में सचिन पायलट की उड़ान और गहलोत की सियासी दांव पेच के चलते कांग्रेस की उहापोह की स्थिति ज्यों की त्यों है। बात इतनी नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर कांग्रेस के विधायक की तीर चला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को प्रदेश में सूले के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करने होंगे। वहीं इस नए कानून की वजह से पीएफ बैलेंस भी बढ़ेगा। पहले सरकार ये नियम 1 अप्रैल को ही लागू करने वाली थी, लेकिन राज्यों की सहमति न मिलने के कारण इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। नागालैंड की किंग चिली या भूत झोंकलिया कही जाने वाली मिर्च पहली बार लंदन को निर्यात की गई है। इसकी पहली खेप लंदन पहुंच चुकी है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। इसके साथ ही राजस्थान में देसी मिर्च का यानी लाल मिर्च जिसको सबसे ज्यादा तीखा माना जाता है उसका उत्पादन नहीं के बराबर रह गया है।